अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और खैर वाफी से हो गए। तो जी आज वीडियो का शुरू मैं कर रहा हूँ, उस्ताद जी तो जानवरों को देख रहे हैं। तो आज तो कोई नुस्खे वाली वीडियो नहीं बना रहे हम, आज थोड़ा सा हम व्लॉग श्लोक बना रहे हैं। तो ये आज थोड़ा सा हम अपने जानवरों को हरियाली वगैरह डाल रहे हैं। ये मैं ऊपर आया हूँ, ये हमारे कुछ शामों के पट्टे वगैरह हैं, जख्मी हुए हैं लड़ लड़ के, तो इनको मैंने पट्टे वगैरह डाल दिए हैं। अब सारे जानवरों को पत्ते वगैरह डालने हैं और सारे जानवरों को देख रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस वगैरह चेक कर रहे हैं। जिन्होंने अंडा शंडा दिया उनके अंडे शंडे भी उठा रहे हैं। तो मैं उस्ताद जी को बता दिखाता हूँ और उस्ताद जी डालते हैं सबको पत्ते छत्ते। जी उस्ताद जी, तो ये अभी सारे जानवर बेताब हैं, जिनका पानी ख़त्म हो गया है उनको पानी वगैरह डालते हैं। सुबह उस्ताद जी सबको दाना पानी कर देते हैं एक दफ़ा, फिर इससे हम दोपहर के टाइम ऊपर आते हैं। दोपहर के टाइम आके जिन्होंने अंडा वगैरह दिया तो उनका अंडा वगैरह प्लग करते हैं एक दफ़ा, सबका दोबारा दाना पानी चेक करते हैं, दाना पानी डालते हैं। और ग्रीनरी जोन से हम दोपहर के टाइम डालते हैं, या कोई तरबूज वगैरह या कोई और चीज़ विटामिन वगैरह जो उनसे भी डालने हो हम दोपहर के टाइम आके डालते हैं। और टेक केयर मेडिसिन वगैरह जो जो जानवरों को देनी हो हम दोपहर के टाइम आके देते हैं। तो फिर आज से हम थोड़ी थोड़ी ब्लॉगिंग भी स्टार्ट किया करेंगे। बहुत से भाई कह रहे थे कि यार आप नुस्खे बता देते हैं अपने जानवरों की टेक केयर भी बताया करें कि आप कौन कौन सा नुस्खा कैसे कैसे देते हैं। जी उस्ताद जी क्या कर रहे हैं आप, कैंडलिंग कर रहे हैं? यार ये ना मुर्गी ने ना आई बच्चे निकाले हैं तो मैं अंडे चेक कर रहा हूँ। जी उस्ताद जी ना ये बच्चे उसने निकाले तो ऊपर बैठी हुई थी तो ऊपर से नीचे आके गिर गई है। ये मैं सेकंड, ये तो बच्चे जो है ना वो अभी सेट नहीं हो रहे इस पे नीचे ना, तो ये सेट कर रहे हैं। ये मुर्गी साजी ऊपर बैठी थी, तो दोस्तों साजी कह रहे हैं कि ये मुर्गी ना ऊपर बैठी हुई थी। ये दोस्तों हमारे केजेस की सेटिंग है, केजेस के अंदर ही हमने ये ऊपर घोंसले बनाए होते हैं। मुर्गियाँ खुद ही ऊपर अंडे देती हैं और ऊपर ही कड़ुक बैठ जाती हैं, तो ये मुर्गी ऊपर ही कड़ुक बैठी हुई थी, तो ऊपर ही इसने अंडे दिए हैं, ऊपर ही इसने बच्चे निकाले हैं और ये बच्चे निकाल के नीचे आ गए। ये हमारी अमरोही मुर्गी है ना साजी, साजी थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। ये हमारी अमरोही ने बच्चे निकाले हैं ब्लैक। हाँ ब्लैक, अभी ये रंग अपना चेंज करेंगे। अभी तो ये मैं अभी आया हूँ घर तो देख रहा हूँ कि ये बच्चे ले के नीचे आई हुई है। बाकी भी इसके नीचे कोशिश करते हैं कि इसके नीचे जाएं ताकि ये देखे ना अभी गीला है बच्चा, ये देखे ये अभी निकले माशाल्लाह, ये अभी सारे जो है ना ड्राई हो जाएंगे थोड़ी देर तक, ये अभी खुद ही कवर कर लेगी सारे। चलें साथ में पत्ते हैं बारे बारे सबको डाल दें आस्ता आस्ता। एक साइड से शुरू करते हैं साथ जी। ये देखें ये भी मुर्गी हमारी आज अभी बच्चे इसने निकाले हैं माशाल्लाह। हमने एक डेढ़ के ऊपर छह मादियां बिठाई थी, सब ने इकट्ठे बच्चे निकाले हैं। अभी रात को हम जो है ना बच्चे सारे एक दो मुर्गियों के नीचे सारे इकट्ठे कर देंगे। हाँ जी पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा हमने जिस दिन वैक्सीन की थी उस दिन हमने मादियाँ बिठाई थी छः सात इकट्ठी, व्लॉग शायद नहीं बनाया था। आज से हम ऐसे व्लॉगिंग भी शुरू किया करेंगे। एक मादी ने हमारे ये बच्चे निकाले हुए हैं, ये भी हमारी अमरोही मादी है माशाल्लाह, फेस देखें आप इसका। और बच्चे मिक्स ही हैं, अमरोहे बच्चे नहीं हैं सारे, ये देखें माशाल्लाह डेढ़ बच्चों का डेढ़। और ये बच्चे सारे इसलिए नहीं निकाले, बच्चे भी इसी तरह जैसे छः मादियाँ एक दिन बिठाई होती हैं फिर बच्चे सारे मिक्स कर देते हैं हम। ये हमारा अमरोहे का हमारा पेड़ है, ये हमारा माशाल्लाह अमरोहे का पेड़ है। नारी मार दी है, ये हमारा हीरा मुर्गा है, साथ चीनी मादी लगाई है। ये हमारा शामू का पेड़ है, वाइट शामू मुर्गा है, साथ जैपनीज मादी है।
आस्ता आस्ता आपको सारे जानवर दिखा रहे हैं उस्ताद जी, ग्रीनरी डाल रहे हैं सब जानवरों को। सर जी इसमें कोई जानवर नहीं है क्या? सारे जानवर इसमें बंद कर देते हैं रात को? नहीं ये खुद ही रात को चले जाते, रात को सारे इसमें। ये इनका केज है तो दोस्तों ये सारे जो उनसे केज हैं ये उस्ताद जी ने और हमने मिल के सारे खुद बनाए हुए हैं हाथ से। ये वाले केज भी ये पूरा जो उनका ऊपर शेड वगैरह ये सारा हमने खुद ही बनाया हुआ है। थोड़ा थोड़ा करके रोज़ डेली रूटीन के साथ मेहनत कर करके, तब हम व्लॉगिंग नहीं करते थे, वीडियो वगैरह नहीं बनाते थे, इस वजह से आप सब दोस्तों को नहीं दिखाया। इंशाल्लाह आगे से अगर ऐसा कोई हमने प्रोजेक्ट शुरू किया या प्रोजेक्ट बनाया तो आपको लाजमी दिखाएंगे। एक मुर्गी हमारी एक रुक बैठी हुई है, एक मुर्गी हमारी एक रुक बैठी हुई है, और एक मुर्गी हमारी एक रुक बैठी हुई है, और एक हमारी है मुर्गी ने रुक से बच्चे निकाले हुए हैं माशाल्लाह, ऐसे पांच बच्चे निकाले हुए हैं माशाल्लाह। और एक ये हमारा पेड़ है माशाल्लाह मुर्गे का, दिखाता हूँ आपको, बहुत ही प्यारा है। और इसके बाद ये हमारे एक मुर्गी ने हमारे ये बच्चे निकाले हुए हैं माशाल्लाह, ये बच्चे हमारे माशाल्लाह काफी बड़े हुए हुए हैं, इसमें हमारे वाइट सामू के बच्चे भी हैं ये देखिए माशाल्लाह। जैसा कि आपको बताया था कि हमने चार मुर्गियां इकट्ठी ग्रुप पर बिठाई हुई थी, उनके बच्चे निकलना स्टार्ट हो गए हैं, तो अब हमने एक मुर्गी के साथ दो मुर्गियों के बच्चे इकट्ठे करने हैं। तो हमने एक मुर्गी को पहले ज्यादा कर दिया है, उसके बच्चे उससे ये हमारे पांच बच्चे निकाले हैं ठीक है। अब हम ये दूसरी मुर्गी के बच्चे लेके आए हैं माशाल्लाह, एक दो तीन चार पाँच छ सात। जब भी आपने दो मुर्गियों के बच्चे इकट्ठे करने हैं ना तो आपने दोनों मुर्गियों को अलहदा कर देना है, उनके बच्चे इकट्ठे छोड़ देने हैं इस तरह ठीक है, और मुर्गियां दोनों सेपरेट कर देनी है ठीक है। बच्चों को इकट्ठा रहने देना है, उनको अच्छी तरह मिक्स कर देना है, उनकी एज उम्र इकट्ठी होनी चाहिए, बच्चे एक जैसे होने चाहिए ठीक है। और अब आगे थोड़ा सा उस्ताद आपको बताएंगे। जी उस्ताद जी, ये हमने बच्चे इकट्ठे किए, मैं देख रहा था कि इसके अंदर ये चौड़ी ज्यादा है तो बच्चे भी छोटे हैं, तो मुर्गी जाहिर बात है चौड़ी ज्यादा देख के ना वो फिर पाँव मारेगी, इसलिए ये इजाफी चौड़ी जो है ना हम वापस निकाल रहे हैं। चूड़ी इसलिए सारी निकाल रहे हैं कि बच्चे जब मुर्गी पाँव मारेगी तो जाहिर सी बात है मुर्गी पाँव मारेगी तो वो नीचे तो नहीं देखेगी, वो पाँव बच्चे को लगेगा, जाहिर सी बात है मुर्गी जोर से पाँव मारेगी वो बच्चे को लगेगा, तो बच्चे को जो पाँव लगेगा बच्चे को हिट जोर से लगेगी, तो अक्सर बच्चे इस वजह से मर जाते हैं क्योंकि जगह थोड़ी होती है, बच्चे को टांग अक्सर गलत जगह पर लग जाती है जिसकी वजह से बच्चे को दर्द होने लग पड़ती है, बच्चा मर जाता है। इस वजह से नीचे जो से ये मसला होता है न्यू चूजों को, 10-15-20 दिन के चूजों को ज्यादा मसला होता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर वो थोड़े से सियाने हो जाते हैं और वो अपना एहतियात करते हैं। तो अब हमने ये थोड़ी निकाल ली है, चूजे इकट्ठे कर लिए हैं, अब हम जो मुर्गी हमने इनके साथ लगानी है ना वो मुर्गी हम सियानी मुर्गी के साथ लगाने हैं, बेवकूफ मुर्गी के साथ हमने कभी चूजे नहीं लगाने। ये मुर्गी हमारी बहुत ही माशाल्लाह सियानी अकलमंद है, चूजे पालने वाली मुर्गी है, ये बच्चों को हाथ भी नहीं लगाने देती, हाथ लगाने दो तो एक मिनट में पड़ती है, ये देखो ना चूजे को पकड़ने भी नहीं देती, चूजे को हाथ भी नहीं लगाने देती, एक मिनट में पड़ती है। तो साथ जब इनको दाना पानी लगा देते हैं देखे जरा बहुत पड़ती है, और जो मुर्गी हाथ को पड़ेगी हमेशा मेरी हमारी बात याद रखना वो ही हमेशा चूजों को पालेगी। जी उस्ताद जी, जी माशाल्लाह अभी हमने बच्चे इकट्ठे कर दिए सारे, तो ये है हमारी अपनी तकनीक के एक ही डेढ़ पे हमने चार पांच मादियां इकट्ठी बिठानी होती हैं, माशाल्लाह अभी ये बच्चे हमने एक के पीछे लगा दिए, बाकी हमारी मादियां आजाद हो गई हैं,
इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में हम आपको फिर दोबारा कोई ना कोई नया तरीका बताएंगे जिससे आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे ले सके और अंडे भी आपके इंशाल्लाह फर्टाइल हो। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि अभी हमने छोटे केज में इस वजह से लगाई हैं मुर्गियां के बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं। जब ये छोटे केज में, बहुत से भाई कहते हैं कि इतने ज्यादा बच्चे हैं छोटे से केज में आपने छोड़ दिए हैं, 15-20 दिन ये छोटे केज में रहेंगे हवा से बचे रहें ताकि जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे 15-20-25 दिन महीने के हो जाएंगे फिर हम इन्हें बड़े केज में छोड़ देंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा।